हे तो कैसे हो यार सभी लोग। सो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइपर के बारे में। मैं अपना हाइपर चेंज कर रहा हूँ। स्टोन, जिनको नहीं पता था, मैं पहले स्टोन हाइपर था या हुआ करता था। अब मैं चेंज कर रहा हूँ और से इसके ऊपर काफ़ी सारी वजह है कि मैं क्यों कर रहा हूँ और बात करेंगे। देखो मैं तुम्हें छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो ये ऐसी नहीं है कि हाइपर कैसे बनाते हैं। मेन चीज़ है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्यों, कैसी ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें जो कि प्लेयर्स को जाननी ज़रूरी हैं। तो जल्दी से बता देता हूँ, देखो हाइपर कैसे बनाते हैं। जिस टाइप का भी तुम्हें हाइपर बनाना है उसकी सारी बिल्डिंग्स बना लो एंड उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो हाई कर लो। लाइक मेरा स्टोन प्रोडक्शन रेट 500% है, टिम्बर प्रोडक्शन भी इतना ही है कुछ, और प्रोडक्शन 860 है कुछ, गोल्ड प्रोडक्शन 325 है। तो लाइक गोल्ड को हटाओ, स्टोन वुड एंड और का हम मेनली यहाँ पर बात करते हैं। तो उनका जिसका भी तुम हाइपर बना रहे हो उसका प्रोडक्शन रेट हाई कर लो। लाइक जो तुम्हारे टैलेंट्स हैं उसमें, जो तुम्हारा हाइपर है मेन उसमें फिल करो। लाइक और है तो मैं और का करता हूँ, वुड है तो वुड में करता हूँ, स्टोन है तो स्टोन में करता हूँ। एंड इसके बाद में आती है अदर चीज़ें, लाइक तुम्हारे हीरोज़ गोल्ड हैं, लाइक जो प्रोडक्शन रेट देते हैं। जिनको नहीं पता कि हीरोज़ प्रोडक्शन रेट देते हैं, लाइक स्टोन के देते हैं, लाइक रोज नाइट वुड का देती है मेरे ख्याल से, टिम्बर का देख सकते हो यहाँ पे, ऐसे ही हीरोज देते हैं स्टोन का, वुड का, और का। तो दो टाइप के हीरो होते हैं, वो दोनों तुम्हारे गोल्ड हो। अब काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं कि तुम कौन से टाइप का हाइपर बनाओ। अगर तुम चाहो तो तुम बना सकते हो स्टोन का, वुड का, और का। तो वो वैल्यू और की ज़्यादा रहती है, जिनको मैं बताना चाहूँ जिनको नहीं पता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी और प्रोडक्शन बना लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सभी और का बनाएंगे तो बाकी रिसोर्सेज कहाँ जाएंगी, लाइक वुड कहाँ जाएगा, स्टोन कहाँ जाएगा। अब मैंने जब अपना फर्स्ट टाइम जो है स्टोन प्रोडक्शन बनाया था, मतलब स्टोन प्रोडक्शन ही क्यों बनाया मैंने, देखो काफ़ी लोग मुझसे पहले पूछते हैं, अब कभी भी पूछते हैं सवाल, लाइक जब भी ये बात आती है कि मैंने स्टोन ही क्यों चुना। देखो ऐसा कोई इसमें कुछ खास नहीं था कि स्टोन चुना मैंने। जब मैंने हाइपर अपना बनाया था उसके ऊपर एक रीज़न था, मेरे बैग में सबसे कम जो रिसोर्सेज था वो स्टोन था, इसलिए मैंने स्टोन प्रोडक्शन बनाया था। लाइक मेरे बैग में स्टोन कुछ था 3 से 4 मिलियन था, बाकी रिसोर्सेज ज़्यादा थी। लाइक वुड 30 से 40 मिलियन था और 70 से 80 मिलियन था। हाँ उस टाइम पे इतना बहुत ज़्यादा होता था, मैं बात कर रहा हूँ तब की, जब मेरी माइंड 20 मिलियन थी तो मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो मैंने तब इसलिए स्टोन बनाया था क्योंकि स्टोन मेरे पास सबसे कम था, 2 से 3 मिलियन था, 3 से 4 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैंने स्टोन प्रोडक्शन बनाया था। अब मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, लाइक अब मैं और प्रोडक्शन क्यों बना रहा हूँ, देखो इसके ऊपर एक और वजह है। लाइक स्टोन प्रोडक्शन, यार स्टोन की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लाइक आसपास स्टोन हाइपर काफ़ी मिल जाते हैं, वुड हाइपर मिल जाते हैं, और हाइपर काफ़ी कम मिलते हैं, ठीक है ना। पर इससे कुछ ये नहीं होता कि लाइक तुम यही बनाओ और का प्रोडक्शन बनाओ, तुम्हारा जो मन है तुम वो बना सकते हो, वैल्यू सबकी एक ही रहती है, बस और की थोड़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं। मेरे पास फूड नहीं है उसको जाने दो, खैर मेरे पास स्टोन है जो कि अभी मैंने कुछ 300-400 मिलियन तो मैंने अभी कुछ टाइम पे ही यूज़ किया है, तो लाइक अब तो और कम है, पर फिर भी टिम्बर में कम है मेरे पास, सबसे कम है तो और है अभी, तो इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइक मेरी कंस्ट्रक्शन स्पीड सुपर हाई नहीं है, पर मेरी कंस्ट्रक्शन स्पीड काफ़ी है, लाइक 400 के आसपास आती है, तो ज़्यादा वो नहीं है। लाइक मैं आधी बिल्डिंग 75 कर लूँगा ना, आधी आधी टाइम के साथ होती रहेंगी, तो वो चीज़ सही रहेगी। तो अभी मेरा मेन काम जो यहाँ पे है वो ये है कि इन बिल्डिंग्स को धीरे धीरे अपग्रेड करना, लाइक 20, 22, 23, 24 सभी को करना जल्दी से जल्दी, ताकि उससे मेरा प्रोडक्शन जल्दी बढ़ जाए। एंड इसको चेंज करने में ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन स्पीड अच्छी खासी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। पर तुम लो माइट के प्लेयर हो, तुम ये नहीं कर सकते कि लाइक एक महीने ये रख लिया, एक महीने वो रख लिया। देखो सालों तक अब मैंने जितना भी गेम खेला, ठीक है, मेरे पूरी लाइफ टाइम में मेरा स्टोन प्रोडक्शन रहा है, जिससे कि तुम मेरा स्टोन प्रोडक्शन सैंड भी देख सकते हो यहाँ पे 44.5 बिलियन, जो कि तब है जब मैंने टाइम टू टाइम सैंड नहीं किया। लाइक एक टाइम पे करता था, फिर मैं आलसी हो गया, उसके बाद नहीं किया, तो इसीलिए इतना कम है 44 बिलियन। पर अब और का देखते हैं जो भी है। अब एक और चीज़ रहती है तुम्हारे गियर्स, जो तुम्हारे गियर्स होते हैं वो भी तुम्हें प्रोडक्शन रेट देते हैं। लाइक अगर यहाँ पे तुम स्टोन प्रोडक्शन देखो, इसमें अब देखो काफ़ी फ़र्क है। स्टोन प्रोडक्शन के लिए तुम्हें यहाँ पे कोई गियर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो लैग में मिलेगा, लाइक गार्गेंटुआ बेल्ट नेसेसरी गियर है अगर कैव के लिए देखा जाए। पर इसको देखो तुम पर्पल नहीं कर पाओगे, पर्पल पे तुम्हें 31% स्टोन प्रोडक्शन देता है। लाइक ब्लू कर सकते हो, इतना ज़्यादा रश नहीं है, पर सिर्फ स्टोन प्रोडक्शन के लिए करोगे तो ये कोई बात नहीं है। कैव अटैक के लिए कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें स्टोन प्रोडक्शन मिल जाएगा। स्टोन प्रोडक्शन स्टोन हाइपर बनाया तुमने,
23% स्टोन प्रोडक्शन तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा अगर बनाते हो, पर इसके अलावा और कोई गियर नहीं है, तो एक्सेसरीज में ये वर्म सील, पर ये गियर कौन बनाता है मुझे ये एक सेकेंड ये बताओ। तुम इसको पर्पल भी कर लो कि 22% मिलेगा, पर इसको तुम ब्लू भी नहीं करना चाहो क्योंकि इस गियर का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता इस गियर का तुम्हारे लिए कोई बनाने का, ये कोई ज़रूरी गियर नहीं है। और खाली स्टोन प्रोडक्शन के लिए बनाते हो तो तुमसे बड़ा वो कोई नहीं है, समझ जाओ मेरी बात को, क्योंकि तुम्हारे पास वेबोम कॉर्नेट भी है, इसका क्या बोलते हैं, जो कि तुम्हें ऑफ से बनाना पड़ता है, एंड वो ज़रूरी गियर नहीं है, पर फिर भी उसको करो तो सही रहता है, थोड़ा सा रेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हो उसको, पर मैं उसको रेंज के लिए यूज़ नहीं करता जहाँ तक है। पर जैसा भी, इसके आगे हम बढ़े तो देखो टिम्बर प्रोडक्शन देखता। अब देखो हेलमेट में ये गियर है, लाइक ये गियर ज़रूरी नहीं है इसका मटेरियल तुम्हारे पास हो या नहीं, लक के ऊपर है कि तुम्हें मिला है या नहीं मिला है। अब मेन चीज़ है इसका वम रॉड। अब देखो यहाँ पे वम रॉड बना सकते हो तुम लाइक ऑफ से, क्योंकि इसको तुम फिर रेंज में यूज़ कर सकते हो, पर वो तब जब लाइक पर्पल हो तुम्हारी एंड फॉस्टर विंग शॉर्ट नहीं है, तब तुम इसको अलग से बना सकते हो। लाइक मन है तुम्हारा रेंज सेट बनाने का, मिक्स सेट के हट के तुमने मिक्स सेट बना लिया अपना, ठीक है, मिक्स सेट तुम्हारा ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारा सिंगल सोलो सिंगल टाइप का रेंज सेट बनाना है, तब तुम वम रॉड बना सकते हो, वहाँ पे तुम्हें टिम्बर प्रोडक्शन भी मिल जाएगा। लाइक अगर तुम वुड चूज़ करते हो एंड वहीं ये भी मिल जाएगा तुम्हें, इसको तुम मिथिक ना करो तो ही बढ़िया, लाइक तुम्हें गोल्ड पे भी 25% टिम्बर प्रोडक्शन दे देगा, लाइक ठीक है। एंड बर्निंग स्क्रोल, अब देखो बर्निंग स्क्रोल तुम चाहो तो मिक्स साइड बना सकते हो, पर इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा मैं फ़ैन हूँ, लाइक गोल्ड पे 9% देता है, लाइक तुम्हें ठीक है यार, इतना ज़्यादा मैं ये आर्मी अटैक आ रही मैं XHP का फ़ैन नहीं हूँ, पर फिर भी 35% प्रोडक्शन दे देता है गोल्ड पे, पर इसको गोल्ड करना इतना आसान नहीं है, लाइक तुम्हें तीन क्या बोलते हैं म्यूटेंट प्रिंट चाहिए तो, पर तुम इसको ब्लू या पर्पल, अब देखो एक्सेसरीज मैं मानता हूँ पर इतना ज़्यादा नेसेसरी गियर नहीं है ये, इतना ज़रूरी नहीं है इसको, हलवा नहीं है ये इसको बनाना, तो इसका सजेशन नहीं दूंगा मैं। पर और की बात करें देखो और का सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे कोई गियर नहीं है, लेग में तुम्हें ये मिल जाएगा, पर ये लक के ऊपर है तुम्हें इसका मटेरियल मिला या नहीं मिला है। पर अगर तुम यहाँ पे आओ एक्सेसरीज में, तुम यहाँ पे वायल देख सकते हो, लाइक वायल और प्रोडक्शन देता है, एंड अगर तुम तीन वायल बनाते हो, लाइक ये पर्पल भी है तुम्हारे पास, तो 22% प्रोडक्शन मिल जाएगा तुम्हें, 22 करके तुम्हें 68% प्रोडक्शन रेट यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। पर एक और चीज़ है, लाइक तीन वायल मत बनाना, देखो इन्फेंट्री के लिए अगर तुम वायल बनाते हैं हम लोग, ज़रूरी चीज़ है ये, मेन चीज़ है एक्सेसरीज में तुम, ठीक है तुम्हारे लिए, पर तीन वायल मत बनाना, लाइक क्यों नहीं बनाना, देखो उसके ऊपर वजह है, वजह ये है क्योंकि दो वायल बनाना बेस्ट रहता है, तीसरा तुम एम्ब्रोशल कप यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा सही रहता है, लाइक दो वायल से तुम्हारा, इससे दो वायल बनाओगे क्या फ़ायदा रहता है, तुम्हारा मटेरियल कम यूज़ होगा, तुम दो वायल को जल्दी गोल्ड कर सकते हो। दूसरे हाथ पे अगर देखो तुम, तीन वायल को गोल्ड करने से बेटर है कि तुम दो को करो, वो ज़्यादा सही रहता है। मेरे पास भी दो वायल है, मैं तीसरा जो है एम्ब्रोशल कप यूज़ करता हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहता है, मेरे पास दो गोल्ड है, लाइक 35% प्रोडक्शन देता है, 70% हो गया, एंड मेरे पास ये लैग भी है, तो कुछ 80% मेरे को प्रोडक्शन मिल जाता है जो कि सही रहता है। अब मेन चीज़ आती है हमारे जो प्रोडक्शन रहता है इसकी, अब देखो इसको करने में दिक्कत नहीं होती, अब मैं चेंज कर रहा हूँ उसके ऊपर, जैसे मैंने बताया रीज़न यही है, मेरे बैग में और नहीं है एंड और की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और के हाइपर इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, लाइक टिम्बर के मिल जाते हैं, लाइक स्टोन के मिल जाते हैं, पर जैसा भी तो हाइपर तो मेन चीज़ है। देखो इसके ऊपर मैं बहुत टाइम पहले से वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी टाइम पहले, सालों पहले। अब यार देखो प्लेयर्स बोलते हैं कि इसकी वीडियो उसकी वीडियो, यार देखो चैनल पे वीडियो भरी पड़ी है, तुम देखते ही नहीं हो, लाइक जाओ जाके एक बार चेक तो करो जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है वो वीडियो है या नहीं है, जाके देखो, एंड प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे अगर तुम न्यू प्लेयर हो वो सारी वीडियोस देखो, तुम्हें तुम्हारा जो तुम्हें ज्ञान चाहिए वो उन सभी वीडियोस से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट देख लेना, एंड जैसा भी। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो मेन चीज़ है मेरा कि मैं देखो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ पे हेलमेट में वेट कर रहा हूँ वॉचर का, बिल्डिंग वॉचर का, ठीक है। जब मेरा प्रोडक्शन नहीं था, मेरे को कंस्ट्रक्शन के, देखो सभी बिल्डिंग्स जो हैं, जो यहाँ पे मेरी जितनी भी बिल्डिंग्स है अभी, मतलब कि ऐसा था कुछ महीनों से कि मेरी जो सभी बिल्डिंग्स हैं वो 25 हैं, देख सकते हो, एंड कोई काम नहीं था, मतलब काम धंधा था ही नहीं, ठीक है, खाली पड़ा रहता है कंस्ट्रक्शन। पर मेन चीज़ आती है अब,
क्योंकि उस टाइम पे बिल्डिंग वाचर आता रहता था। जब से मैंने ये चेंज किया है मेरे सामने एक बार ये बिल्डिंग वाचर नहीं आया, मतलब एक बार भी नहीं आया बिल्डिंग वाचर। तो मैं सोच रहा हूँ जैसी बिल्डिंग का वॉचर आता है मैं यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स को मतलब स्पीड अप से कर दूंगा। अब देखो मेरे लिए इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। अगर तुम्हें देखनी है तो देख सकते हो 385%। अगर मैं एक 10% का बूस्ट भी लेता हूँ तो 95% एंड एक टाइटल ले लेता हूँ तो मेरी स्पीड जो है कंस्ट्रक्शन स्पीड 400% हो जाएगी, तो जो कि काफ़ी मेरी हेल्प करेगी क्या बोलते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स को ग्रो क्या बोलते हैं अपडेट करने के लिए। एंड मैं VIP 15 हूँ तो एक घंटे का मेरे को वो मिल जाता है एक्सेलरेशन, फ्री एक्सेलरेशन, तो वो भी मेरी काफ़ी हेल्प करता है। तो लाइक मेन चीज़ रहती है बिल्डिंग्स को पूरा मैक्स ना करके, ऐसा नहीं है कि तुम पूरी बिल्डिंग्स को लाइक 25 करो एक एक करके, वो ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि तुम अगर बिल्डिंग्स को 20-20 लेवल पर सबको एक साथ कर लो एंड फिर धीरे धीरे उनकी मतलब सभी की लेवल एक साथ बढ़ाओ लाइक 21 फिर 22 सभी की फिर 23, तो वो थोड़ा सही रहता है तुम्हें प्रोडक्शन मतलब टाइम के हिसाब से जैसा भी है। मैं ऐसे ही करता हूँ लाइक तुम जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। पर जो जब बात आती है कि तुम कौन सा प्रोडक्शन यूज़ करो, देखो जो तुम्हारे बैग में सबसे कम है तुम वो चूज़ कर सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, पर तुम्हारे ऊपर है यार। देखो तुम कोई सा भी कर सकते हो रैंडमली, इसमें कोई वो नहीं है, लाइक कोई भी कर सकते हो, वोड कर सकते हो, वोड कर सकते हो, लाइक जैसा भी मन करता तुम्हारा यार वैसा कर सकते हो। तो मेनली अभी अगर मैं अपने इसकी स्पीड की बात करूँ लाइक मुझे कितना और प्रोडक्शन मिलेगा और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बढ़ सकता है, देखो यार ये सिंपल सी चीज़ है। लाइक मेरे दो वायल यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे तो मैं दिखाऊँ मेरा कुछ ही 81% देगा मेरे ख्याल से, 81% मेरा और प्रोडक्शन रेट यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड मैंने यहाँ से एक बूस्ट ले रखा है लाइक जो हमारा थ्रफ बूस्ट होता है और प्रोडक्शन 25%, तो यहाँ से बढ़ गया। सो अभी है कुछ 945% एड, ये मैक्स नहीं है लाइक ये और बढ़ सकता है, और कहाँ से बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा मैं बताता हूँ तुम्हें फैमिलियर से। लाइक रिसर्च में मैं जहाँ तक है मेरे ख्याल से हर चीज़ कर सकता हूँ जहाँ से बढ़ सकता है। लाइक जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टोरेज मिलता है, लाइक स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है एंड इकोनॉमी में आ जाओगे तुम्हारा 80% प्रोडक्शन यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें मैक्स करने के पे। पर अगर T4 तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी मैक्स ही होंगी, कोई वो नहीं है, और चीज़ें हैं तो भी कर ही लेना, मुझे अब याद नहीं है। पर मेन चीज़ है अगर तुम फैमिलियर्स में आते हो, यहाँ पे देखो दो फैमिलियर ऐसे हैं जो कि तुम्हें प्रोडक्शन देते हैं। लाइक मैं अगर और की बात करूँ, दो फैमिली जैसे कि हमारे दो हीरो प्रोडक्शन देते हैं वैसे दो फैमिलियर भी देते हैं। अब इनकी स्किल ले लो यहाँ पे ये 35 क्रैबी जो हमारा 35% और प्रोडक्शन देता है, वैसे ही स्टोन के भी होंगे एंड ब्ला 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 जो भी है जैसा भी है। एंड इंजीनियर भी ओवर प्रोडक्शन देता है, तो लाइक ये देता है 25 कुछ, ये क्या हो गया 25% ये देता है, तो लाइक ये 35 एंड 25 कितना हो गया 50-60, ये कुछ 60% हो गया ओवर प्रोडक्शन यहाँ पे। तो लाइक ये भी सही है, पर अब जो मेरा फैमिलियर्स का सीन है, देखो फैमिलियर्स में ना तो देखो मेरा ये है 7% दे रहा है, पर यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ काफ़ी। इंजीनियर ये भी मेरा नहीं है लाइक ये लेवल 4 का, तो यहाँ से भी मेरा अभी प्रोडक्शन काफ़ी थोड़ा सा और बढ़ सकता है। लाइक अभी देखो कितना है मेरा 945%, तो ये बढ़ सकता है थोड़ा सा, थोड़ा बहुत तो बढ़ ही सकता है। लाइक ये बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है अब ये 50% नहीं तो खैर अंदाज 30-40% ये जो है प्रोडक्शन बढ़ सकता है अभी 40%। सो 990-980-970 प्रोडक्शन ये जा सकता है अभी, थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ मैं से एंड और भी ज़्यादा हो सकता है लाइक 1000 से भी ज़्यादा। लाइक अगर मैं अपने वायल को मिथिक कर लेता हूँ जो कि जल्दी होने वाला है, बस ये सीड मिल जाए तो हो जाएगा, मतलब गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, सीड हो जाए तो हो जाएगा आराम से, जो कि 49% देगा। एंड इस तरीके से प्रोडक्शन मैं और बढ़ा सकता हूँ अपने गियर को और ज़्यादा अपग्रेड करके उनको बढ़ा के, तो बस तो बस यही कुछ बातें देख रहा हूँ मैं, वॉचर का वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी जब ये प्रोडक्शन बन जाएगा तो उसके ऊपर बनाऊँगा मैं वीडियो, कितना प्रोडक्शन है घंटे का दिन का कितना प्रोड्यूस होता है लाइक जो भी। तो बस यही एंड करते हैं यार वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी लाइव स्ट्रीम में। Bye.